सत श्री अकाल जी सारिया नूं स्वागत करती हाँ। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज है 15 फरवरी 2023। अज की इस वीडियो दे विच असी करांगे 15 फरवरी 2023 दे नाल रिलेटिड इंपोर्टेंट करंट अफेयर दे MCQ। हर एक MCQ दे नाल रिलेटिड मैं तुहानूं इंपोर्टेंट फैक्ट भी दसांगी। सो वीडियो नूं पूरे ध्यान दे नाल सुनना। तो जिहड़े भी स्टूडेंट इस वीडियो का PDF लैना चाहुंदे ने टैलीग्राम चैनल ते विजिट करके इस वीडियो का PDF भी ले सकते हैं। टैलीग्राम चैनल का लिंक मैं तुहानू इस वीडियो के हेठां डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच दे दिता होया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी अज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। हाल ही विच केड़े देश विच राष्ट्रीय एमरजेंसी का ऐलान किया गया है? हाँ जी, रिसेंटली न्यूजीलैंड दे विच चक्करवात गैब्रियल करके राष्ट्रीय एमरजेंसी का ऐलान किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, न्यूजीलैंड। हुणे ऐलान न्यूजीलैंड दे विच किया गया। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल की आ? वेलिंगटन। इतों की करंसी आ न्यूजीलैंड डॉलर। इतों के प्राइम मिनिस्टर आ क्रिस हिपकिंस। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं। हाल ही विच यूनैसको शांति पुरस्कार किसनों दिता गया है? हाँ जी, यूनैसको शांति पुरस्कार दिता गया है जर्मनी के सबका चांसलर एंजेला मार्कल नू। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, एंजेला मार्कल। तो देख सकते हो तुसी इमेज दे विच भी एंजेला मार्कल नू, इन्हां नू ही यूनैसको शांति पुरस्कार दिता गया। ठीक है जी। हुण असी एक अवार्ड की गल की है। तो रिसेंटली मैं तुहानू करवाया सी राखी कपूर ने नाओ यू व्रीथ लई गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीते आ। संगीतकार रिकी कैज ने वकारी ग्रैमी अवार्ड 2023 जीते आ। एम यो सर्वोत्तम अभिनेत्री दे लई ऑस्कर नाम यदगी प्राप्त करने वाली पहली एशियन बनी। अंबिका सूथन मांगिड़ ने जीते आ उडकुजल अवार्ड। 2022 लई एकलव्या पुरस्कार पंकज अडवाणी नू मिलिया। अंतिम पंगाल नू राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड दे नाल नामजद किया गया। अवनी लेखड़ा नू पैरा स्पोर्ट्स परसन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलिया। ते दलाई लांबा रिसेंटली गांधी मंडेला अवार्ड दे नाल सम्मानित किए गए। अगला प्रश्न है जी, हाल ही विच इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन कित्थे किया गया? हाँ जी, रिसेंटली इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा के कटक दे विच। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो साढ़े राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह उद्घाटन किया उड़ीसा के कटक दे विच। हुण उड़ीसा की गल की है तो देख सकते हो तुसी मैप दे विच उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल की आ? भुवनेश्वर। इतों के चीफ मिनिस्टर आ नवीन पटनायक। इतों के गवर्नर आ गणेशी ला। उड़ीसा दिवस हरेक साल 1 अप्रैल नू मनाया जाता। उड़ीसा दे विच नंदन कानन नैशनल पार्क आ, सिंपलीपाल नैशनल पार्क आ, भितरकनिका नैशनल पार्क आ, चिल्का सेंचुरी आ, चिल्का झील आ जिहड़ी कि भारत की सब तो वड्डी खारे पानी की झील आ। इन्ना तुसीं याद रखना उड़ीसा दे बारे। अगला प्रश्न आ जी, हाल ही विच राष्ट्रीय रैंकिंग तीरअंदाजी टूरनामेंट विच पुरशां दा रिकर्व खिताब किसने जितया? हाँ जी, राष्ट्रीय रैंकिंग तीरअंदाजी टूरनामेंट दे विच पुरशां दा रिकर्व खिताब आ जिहड़ा ये जितया है तरुणदीप राय ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी असी, हाल ही विच महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दे नाल किसनू सन्मानित किया गया? हाँ जी, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया है अप्पा साहिब धर्माधिकारी नू। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, हुण असी महाराष्ट्र की गल की आ तो देख सकते हो तुसी मैप दे विच महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल आ मुंबई। इतों के चीफ मिनिस्टर आ एकनाथ शिंदे। इतों के गवर्नर नवे बने आ रमेश बैंस। तो पहले गवर्नर से भगत सिंह कोशियारे, उन्होंने अस्तीफा दे दिता। हुण इतों के गवर्नर बने आ रमेश बैंस। ठीक है, तो देख सकते हो तुसी फैम स्कीम तहत इलैक्ट्रिक वाहनों की विक्री दे विच महाराष्ट्र टॉप ते रहा। मुंबई दे विच काला घोड़ा आर्ट फैसटिवल शुरू होया। महाराष्ट्र सरकार पेंडू खेतरां दे विच 122 नवें खेड कंपलैक्स स्थापित करेगी। तो नागपुर दे विच 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है जी, हाल ही विच विश्व बैंक ने भूचाल प्रभावित तुर्की लई
किन्ने अरब डॉलर की सहायता का ऐलान किया है। हाँ जी, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने भूचाल प्रभावित तुर्की के लिए 1.78 अरब डॉलर का ऐलान किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हुण वर्ल्ड बैंक तुर्की की सहायता दे 1.78 अरब डॉलर की सहायता देवेगी। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। हुण असी गल की है वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना कदों हुई सी 1958 दे विच। इस दा हैडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी दे विच, ते एट प्रेजेंट इस दे प्रेजिडेंट कौन ने? डेविड मालपास। अगला प्रश्न, हाल ही विच निकोस क्रिस्टोडोलियस किस देश दे नवे राष्ट्रपति बने हन? हाँ जी, क्रिस्टोडोलिडस ये केड़े देश दे नवे राष्ट्रपति बने आ? तो यह बने साइप्रस दे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हुण साइप्रस दे बने आ, साइप्रस दी कैपिटल की आ? निकोशिया। इथों दी करंसी आ यूरो, ते इथों दे प्रेजिडेंट तो यही बन गए ने निकोस क्रिस्टोडोलिडस। ठीक है, हुण ये तुसीं याद रखना, क्योंकि भारत ते भारत दे गवांडी देशां दे अक्सर पुछ ले जांदे एग्जाम दे विच प्रेजिडेंट एंड प्रधानमंत्री। तां रीसेंटली मैं तुहानू करवाया सी मैनुएला रोका बॉटे, इन्हां नू इक्वेटेरियल गिनी दी पहली महिला प्रधानमंत्री चुनिया गया। पेटू पावल चैक नू गणराज दे नवे राष्ट्रपति चुनिया गया। लियो वराडकर नू दूजी वार आयरलैंड दे प्रधानमंत्री चुनिया गया। दीना बलुआर्ट पेरू दी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, सॉरी राष्ट्रपति बनी। कासिम योमार्ट तोकायेव कजाकिस्तान दे राष्ट्रपति वजों दोबारा चुने गए। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही विच एशिया दे सब तो वड्डे एयर शो का उद्घाटन कित्थे कीता है? हाँ जी, साढ़े प्रधानमंत्री आ नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एशिया के सब तो वड्डे एयर शो का उद्घाटन बंगलौर दे विच कीता। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बंगलौर। नैक्सट क्वेश्चन आ जी, हाल ही विच विश्व रेडियो दिवस कदों मनाया गया? हाँ जी, विश्व रेडियो दिवस हरेक साल 13 फरवरी नूं मनाया जाता। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्यों मनाया जाता? रेडियो दे महत्व बारे जागरूकता वधाउण दे लई हर साल विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी नूं मनाया जाता। तो इस बार दे रेडियो दिवस की थीम की सी? रेडियो एंड पीस। ठीक है, हुण असी जनवरी फरवरी दे इंपोर्टेंट दिवस की गल की आ, तो 1 फरवरी नूं भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी नूं विश्व मिट्टी दिवस मनाया गया। 4 फरवरी नूं विश्व कैंसर दिवस ते अंतरराष्ट्रीय मनुखी भाईचारा दिवस मनाया गया। 7 फरवरी नूं सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 10 फरवरी नूं विश्व दालां दिवस मनाया गया। 11 फरवरी नूं विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। अते विज्ञान दे विच औरतां अते लड़कियां दी अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 12 फरवरी नूं अंतरराष्ट्रीय डॉर्विन दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, किस देश दे खोजकर्तावां ने हाल ही विच अधिक गलैक्सी दी खोज कीती है? हाँ जी, रिसेंटली इटली दे खोजकर्तावां ने अधिक गलैक्सी दी खोज कीती। ऑप्शन नंबर इटली दी गल कीती है असीं, तो इत्थे राइट आंसर होवेगा इन्हां विच्चों कोई नहीं, क्योंकि इटली दी गल कीती है, इटली दी ऑप्शन नहीं गी विच, तां फिर असीं की बोलांगे कि इन्हां विच्चों कोई नहीं, क्योंकि इटली देश दे खोजकर्तावां ने अधिक गलैक्सी दी खोज कीती है। ठीक है जी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हुण आपां गल कीती है देखो अधिक गलैक्सी दी, सवाल इत्थे पैदा हुंदा कि इसका नाम अधिक गलैक्सी ही क्यों दिता गया, क्योंकि इत्थे जिन्नी भी उत्सर्जित प्रकाश आ उन्हों असी पृथ्वी तो नहीं देख सकते, इस करके अधिक गलैक्सी दी गलैक्सी का इनू नाम दिता गया। ठीक है, हुणे इटली ने लॉन्च की आ ज इटली के विज्ञानियों ने यदि खोज की आ, तो इटली की कैपिटल की आ? रोम। इतों की करंसी आ यूरो। इतों के प्राइम मिनिस्टर आ योर्जिया मेलोनी। अगला प्रश्न आ जी, हाल ही विच HAL जाने के हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने किस देश नू पहला एडवांसड लाइट हैलीकॉप्टर मार्क टू दिता है? हाँ जी, हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिट ने रीसेंटली मॉरिसस नू पहला एडवांसड लाइट हैलीकॉप्टर मार्क टू दिता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मॉरिसस। हुण असीं मॉरिसस की गल की है, वैसे तो मॉरिसस बोलते हैं आप इनू। मॉरिसस की कैपिटल की आ? पोर्ट लुइस। ठीक है, की आ? पोर्ट लॉइस। तो इतों की करंसी आ, करंसी की आ? मॉरिसस रूपीज। इतों के प्राइम मिनिस्टर आ परवीन जगनौत। ठीक है, ये याद रखना, बब्बे ते आ परवीन।
अगला प्रश्न, हाल ही विच किसनू आईसीसी प्लेयर ऑफ द महीना चुनिया गया? हाँ जी, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी मंथ के लिए चुनिया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द जनवरी मंथ चुने गए हैं शुभमन गिल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हुण आपां आईसीसी की गल की है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की। इसकी स्थापना कदों हुई सी? 1909 दे विच। हैडक्वार्टर कित्थे आ? दुबई दे विच। एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन कौन ने? ग्रेग वार्कले। अगला प्रश्न है जी, हाल ही विच जारी किए गए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडैक्स 2023 सब तो टॉप ते कौन रहा? हाँ जी, रिसेंटली जारी किए गए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडैक्स 2023 टॉप ते रहा है, पांचवी वार टॉप ते रहा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हुण फिनलैंड टॉप ते रहा वा, तो सब तो पहला तो माइंड दे विच जरूर क्लिक करना चाहिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडैक्स 2023 साडा देश भारत किनवें नंबर पर रहा? 136वें नंबर पर। ठीक है, हुण इस दे विच टॉप पर रहा फिनलैंड। तो फिनलैंड की कैपिटल की है? हेलेनेस्की। इतों की करंसी आ यूरो। इतों के प्राइम मिनिस्टर आ शना मारे। तो इतों के प्रेजीडेंट आ सॉली निन सिंको। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी इह वीडियो खत्म हुंदी है। तो वीडियो तुहानू किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स के जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी हो प्लीज़ वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।